Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope all you guys doing well. As you can see, I'm right in front of the Guwahati railway station at 6 o'clock in the morning. मेरा आज का प्लान ये है कि मैं सुबह ही निकलूंगी यहाँ से शताब्दी ट्रेन में लामडिंग की तरफ और वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली हूँ बहुत सारी जगह जितना हो सके एक दिन में मैं कर पाती हूँ. And I'll come back to Guwahati within the same day. I thought why not take you guys along with me. So guys, as you can see, ये है शताब्दी ट्रेन जिसमें हम आए हैं आज और exactly 3 hours पे हम पहुंच गए लामडिंग. So I'm so excited. Woo! और इस ट्रेन की सबसे खास बात क्या लगी गाइस पता है, बहुत ही कम से कम समय में और बहुत ही कम पैसे में, दैट इज अराउंड 110 रुपीज में मुझे पहुंचा दिया लामडिंग स्टेशन. और अभी बज रहे सुबह के 9 और पूरा का पूरा दिन मेरे हाथ में है जहां मैं एक्सप्लोर कर सकती हूं और शाम तक मैं घर भी वापस जा सकती हूं. नाम क्या है बोलो चैनल का नाम. और इसी ट्रेन में मुझे बहुत सी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर मिली, बहुत ही बातें किया हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा. और एक खास बात लामडिंग रेलवे स्टेशन की ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का सबसे बिगेस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर है. लामडिंग आके फर्स्ट ट्राई किया ब्रेकफास्ट. यहाँ का ब्रेकफास्ट ये है पराठा और ये लाइक बहुत ही यम्मी सब्जी है और मिठाई जो कि ध्रुव का सबसे पसंद फैक्टर है. लामडिंग का मिठाई जरूर खाना, बहुत अच्छा है. एक तो खा लिया, टेस्टी है ना, बहुत अच्छा है. और वो बिशम लेके आए हैं हम लोग को यहाँ पे. सो दिस और जगह का नाम क्या है बिशम? कैलाश मंदिर. ओके, मुझे कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम के लिए लामडिंग आई हूँ और यहाँ पे जो कि एक्सप्लोर आज कराने वाला है बिशम और आकाश. पहले खा लेते हैं, वी आर सो हंग्री. एज यू कैन सी ये जो कैलाश मंदिर है उसी के रास्ते में ये जो दुकान आता है, बहुत ही टेस्टी यम्मी डिलीशियस ब्रेकफास्ट मिल जाता है. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर फर्स्ट लोकेशन, दैट इज टूवर्ड्स कैलाश मंदिर. बहुत ही अच्छा नज़ारा है. सो गाइज, हम लोग अभी एक दूसरा लोकेशन आके पहुंच गए हैं. हम लोग का जो भाई आकाश, हेलो. सो ही इज द वन हु इज गाइडिंग मी थ्रूआउट द जर्नी फॉर टुडे और बहुत ही यूनिक सा जगह लेके आए हैं. मुझे पता नहीं था लामडिंग इतना सुंदर है. एज यू कैन सी यहाँ से पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, लाइक क्या बोलते हैं उसको. एक्चुअली यहाँ पे मतलब ये जो स्पॉट है ना, हाँ, ये मिडिल ऑफ मतलब हर पूरे लामडिंग और कार्बियन लोंग का बॉर्डर के बीच में. ओके, ठीक है. और ये पॉइंट कार्बियन लोंग पड़ता है एक्चुअली. अच्छा, अभी सीआरपीएफ चला गया, मंदिर रह गया, हम लोग रह गए. ओह, और ये जगह में हम लोग का एयरपोर्ट सर्वे हुआ है. ओके, इसमें एयरपोर्ट भी होने वाला है. एयरपोर्ट स्कीम यहाँ पे आने वाला है. ओ गाइस, आप लोगों को एयरपोर्ट दिखने को बहुत जल्दी मिलने वाला है यहीं पे, राइट? सो गाइज, अभी हम निकल पड़े यहाँ का सबसे बड़ा पूजा जो कि हर साल दिखने को मिलता है, वो है शीतला पूजा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लाइक बहुत ही लोग आता है यहाँ से, अलग अलग जगह से आता है. बहुत लकी फील कर रही हूँ बिकॉज ये जो पूजा है आज पहला दिन का पूजा है, 4th of April है और ये जो पूजा है कंटिन्यूसली 8 दिन तक चलने वाला है. और ये माना जाता है कि जो शीतला माँ है ना, हर किसी का विश फुलफ़िल करने में हेल्प करता है. और ये पूजा में बस लामडिंग का ही लोकल लोग नहीं, बहुत लोग आता है, लाइक कई जगह से आता है. हम जिस ट्रेन में आए थे उस ट्रेन में बहुत सारे मिले जो कि गुवाहाटी से आए थे बस शीतला माँ को पूजा करने के लिए. और मैं भी आ गई दर्शन करने शीतला माँ को फर्स्ट टाइम के लिए लामडिंग. यहाँ पे अगर आप लोग रात को आते हैं तो इसमें मेला दिखने को मिलेगा, बहुत ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे.
सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। और यहाँ पे आके हम लोग पहुँच गए आकाश के घर, बहुत ही नज़दीक है पूजा मंडप से। और देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाल के रखा है, वो लोग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे हम आ गए बालकनी पे जहाँ से ध्रुव उड़ा रहा है ड्रोन। उसको बहुत ही पसंद है ड्रोन उड़ाना और बहुत ही अच्छा एक व्यू लेने का कोशिश किया लामडिंग का। सो आप लोग देखिए बर्ड्स आई व्यू यहाँ से कैसा दिखता है। सो दिस इज द व्यू ऑफ लामडिंग फ्रॉम द टॉप। और ऐसे घर में भी पूजा दिया जाता है, यहाँ का जो लोकल्स आता है, ये कोई रिचुअल चल रहा है मुझे इतना पता है नहीं, लाइक मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला। अभी हम आ गए हैं एक नदी पे, इस नदी का नाम क्या है? यहाँ की खास बात यह है कि ये जो नदी है ना बहुत ही साफ रखता है यहाँ का लोग, कोई भी प्लास्टिक या कुछ भी दिखने को नहीं मिला, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मछलियाँ हैं, I'm so excited, so happy to see, मुझे खेलना बहुत पसंद है। ये है इस मंदिर का रात का नजारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ठीक 5:30 बजे हम लोग निकल पड़े स्टेशन की तरफ, बिकॉज हम लोग का ट्रेन का जो टाइम है एग्जैक्टली 6 में था। सो हम लोग निकल पड़े स्टेशन की तरफ और ये है रात का नज़ारा। और हम लोग आके पहुंच गए स्टेशन थोड़ा जल्दी। यहाँ पे देख रहा है बिशप कोशिश कर रहा है सेल करने को पानी, बिकॉज यहाँ पे कोई बेचने वाला था नहीं। सो वी आर स्पेंडिंग सम फन मोमेंट्स हियर। क्या बोलना चाहोगे? ये एक भी पानी बेच नहीं पाया, एक पानी बेच नहीं पाया मालिक को, क्या पेटी बेच रहे एक पानी के लिए? एक भी नहीं, पूरा कार्टून बेचना है तुमको, कार्टून बेचना है, एक भी नहीं बेचना है ना। पानी बेचने का खेल आज बहुत ही मजा आया, लेकिन एक भी पानी बेच नहीं पाया विषम। बहुत बहुत कोशिश किया कब से सेल करने को, अभी खुद ही ले ले एक पानी। लेकिन बहुत मजा आ गया, अभी पूरा सुबह ही आया था गुवाहाटी से लामडिंग, पूजा देख लिया, घूम लिया और उसके बाद ट्रेन आने का टाइम है शताब्दी, आने के टाइम में भी शताब्दी में ही आए थे, जाने के टाइम में भी शताब्दी। बहुत ही ट्रस्टवर्दी ट्रेन है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेन है, पूरा टाइमिंग मेंटेन करता है। तो अभी थोड़ा लेट हुआ है, लाइक 5-10 मिनट्स का डिफरेंस है, फिर भी वो लोग टाइमिंग मैनेज कर लेता है। थैंक यू आकाश, बहुत ही टेस्टी लंच कराया उसके घर में, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स टू आंटी, अच्छे से हमको घुमाया, लामडिंग दिखाया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम लामडिंग देखा एकदम अच्छे से। चीयर्स टू लाइफ। ये थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूंगा कि कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बहुत प्यारी है दीदी हमारी, आप प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। आई लव, वी लव, वही बात। थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑलवेज चीयर्स टू लाइफ। चीयर्स टू लाइफ, ओके, बाय बाय। ट्रेन आ गया, पेटी उठाओ ट्रेन में।